Hello everyone and welcome to the class. So today we are going to have the session on Order 32A which was inserted by Amendment Act 1976 और जो कि include करता है suits relating to matters concerning the family. तो family से related जो matter होते हैं उसका जो suit आता है वो कहाँ आता है? Order 32A में. अब आप कहेंगे कि वो तो हम family matter से related है तो हम उसे family court में क्यों नहीं ले जा सकते, है ना? आप ये भी मुझे बोल सकते हैं कि वो तो पर्सनल लॉ डील करता है. बिल्कुल डील करता है. तो अगर आप पर्सनल लॉ में लेके जाते हैं दैट इज अनदर थिंग. ये तो प्रोसीडिंग आपको बता रहा है. पर्सनल लॉ में भी आप लेके जा सकते हैं. बिल्कुल पर्सनल लॉ में भी कोई भी मैट्रिमोनियल अलायंस है या फिर कोई और फैमिली रिलेटेड इशू है तो वो लेकर के आप कहाँ जाएंगे? सेक्शन के जो प्रोविजंस होंगे वो अफेक्ट करेंगे, पर जो प्रोसीडिंग होगी वो ऑर्डर 32A बताता है. तो उसी से मैटर से रिलेटेड किस तरीके से प्रोसीडिंग होगी वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, है ना? वही बता रहा है. अच्छा, ये वाली बात बिफोर आई प्रोसीड आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, दैट इज वॉट कि जब हम बात करते हैं ये जो एक्ट बना था हमारा सीपीसी उसके बाद तब स्टार्टिंग में था नहीं, अमेंडमेंट आया 1976 में, उसके बाद इस ऑर्डर को इंसर्ट किया गया. तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आया 32A, इसके बाद भी देखा कि जो मैटर थे फैमिली से रिलेटेड ये ऑर्डर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उतना इफेक्टिवली ये काम नहीं कर पाया जितना कि इसे करना चाहिए था. फिर कोर्ट एक्ट आया 1984 में, फैमिली कोर्ट एक्ट, ठीक है? तो क्योंकि ये अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में यही बात बताई थी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि मतलब ये नहीं अब सारी चीजों को डील कर पा रहा है तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 बनाया गया था. इसीलिए बुलाया था कि वो जो डिजायर्ड रिजल्ट थे ये इस हम ऑर्डर से नहीं ला पा रहे थे. तो हम इसी देखो कंसर्निंग फैमिली है तो फैमिली से रिलेटेड जो मैटर होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन हम सबसे पहले समझ लेते हैं फैमिली का क्या मतलब होता है. तो उसके लिए रूल 6 पे चलते हैं. रूल 6 कहता है फैमिली का क्या मतलब है. कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के लिए 32A के लिए, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हर एक जो होगा वो ऐसे माना जाएगा कि वो एक फैमिली ही कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. तो एवरी वन इज ऑफ फॉलोइंग कौन कौन से हैं? तो पहले क्लोज ए है, बी है, सी है, डी है और फिर ई है. तो क्लोज ए क्या कहता है? क्लोज ए कहता है एक मैन और उसकी वाइफ जो कि साथ में रहते हैं. फिर इसी में क्लोज ए के सब क्लोज वन के में तो इतनी बात कहे कि खत्म कर दी, सब क्लोज टू में कहा गया कोई भी चाइल्ड इन लोगों का या फिर कोई भी चिल्ड्रन इन लोगों के, ठीक है? सिंपल उन्होंने कहा बीइंग इशू ऑफ देयर्स और ऑफ सच मैन और सच वाइफ. अब यहाँ क्या लिख रहा है? सच मैन और सच वाइफ मतलब अगर इसकी दूसरी शादी हुई है तो अगर पहली शादी से कोई इसके बच्चे हैं तो वो भी इनके साथ रहते, इनकी फैमिली बनाते. फिर उसके बाद सब क्लोज थ्री कहता है एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन जिनको ये मेंटेन करते हैं. ये बच्चे तो अपने इनके हो गए लेकिन अगर इसके अलावा ये किसी और बच्चों को भी मेंटेनेंस देते हैं तो वो भी किस में आ जाएगा? वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ. जैसे इस बंदे का डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स के बाद बच्चा यहीं साथ रहने लगा, इसने दूसरी शादी करी, दूसरी शादी से बच्चे हुए तो ये सब एक फैमिली हो गए. लेकिन अगर डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद बच्चा इसके साथ नहीं रहता है, वाइफ के साथ रहता है, तो लेकिन ये मेंटेनेंस भेजता है तो वो मेंटेन्ड बाय हिम है तो इसीलिए वो भी ये फैमिली का पार्ट हो जाएगा. इतनी बात ये हमारा क्लोज ए बोलता है. क्लोज बी कहता है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बंदा जिसकी वाइफ नहीं है या तो नहीं है, नॉट हैविंग ए वाइफ, जिसकी वाइफ नहीं है या फिर है तो वो साथ नहीं रह रही है, ठीक है? वो नहीं रह रही है लेकिन हाँ बच्चे रह रहे हैं. एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग इश्यू ऑफ हिज एंड एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन बीइंग मेंटेन बाय हिम. जो कि अगर एक बंदा, सिंपल सी बात है, ये है, ये बंदा है, इसकी शादी नहीं हो गई है या फिर अब वाइफ साथ नहीं रहती बिकॉज ऑफ एनी रीजन, डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हो गया है, लेकिन अगर इसके बच्चे इसके साथ में रहते हैं या मेंटेनेंस देता है या किसी बच्चों को तो वो इसकी फैमिली में इंक्लूड हो जाएंगे. सेम विद द वुमेन, वुमेन के साथ में अगर इसका हस्बैंड साथ नहीं रहता है तो, हस्बैंड साथ नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, हस्बैंड साथ नहीं रहता, समझ में आया, तो कोई भी चाइल्ड या चिल्ड्रन है बीइंग इश्यू ऑफ हर्स, इसी का जो बच्चा काउंट होगा या जिसको ये मेंटेन करती है वो इसी के अंदर आ जाएगा. इतनी क्लोज सी तक बात हो गई. फिर उसके बाद क्लोज डी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने बोला कि कोई भी मैन, कोई भी वुमेन और उसका, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, भाई, बहन, एंसेस्टर, पूर्वज, लीनियन डिसेंडेंट, उसके बाद लिविंग विद हिम, जो उसके साथ रह रहा है, चाहे वो बंदा है चाहे बंदी है. फिर उसके बाद क्लोज ई कहता है इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब कि अगर बच्चे, ये वाला कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, ये वाला कॉम्बिनेशन तो है ही,
प्लस इसके साथ इस बंदी के साथ इसका ब्रदर भी रहता है, ठीक है, या इस बंदी के साथ इसकी बहन भी रहती है। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इट विल बी द फैमिली। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि थम जाओ, रुक जाओ, कि आप कोई डाउट मत अपने दिमाग में रखना, डाउट मत रखना कुछ भी। तो हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि जो रूल 6 के जो प्रोविजन होंगे ना, वो विदाउट एनी प्रेजुडाइज टू द फैमिली इन पर्सनल लॉ और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर पर्सनल लॉ में अगर आप फैमिली की कोई डेफिनेशन पढ़ के आए हो तो इट विल बी द सेम, वो सेम ही रहेगी। हम रूल 6 में फैमिली की डेफिनेशन देके उस डेफिनेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ रूल 6 शैल बी विदाउट एनी प्रेजुडाइस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इन एनी पर्सनल लॉ और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो अगर आप पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ में कोई कॉन्सेप्ट फैमिली का पढ़ के आए और आपके हिसाब से फैमिली ये होती है, आप उसके दिमाग आपको माइंड में वो रखा हुआ है और वो फैमिली चल रही है, तो हाँ, वो बिल्कुल है, हम उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रूल 6 ने इतनी बात हमें कह के फिनिश कर दिया। अब हम रूल 1 पे चलते हैं। देखो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 शुरुआत में कहता है कि भाई सबसे पहले जान लो कि इस ऑर्डर का एप्लीकेशन कहाँ होगी। तो सब रूल 1 कहता है, रूल 1 का, कि जो इस ऑर्डर के प्रोविजंस होंगे वो कहाँ अप्लाई होंगे, सूट्स या प्रोसीडिंग जो कि फैमिली से रिलेटेड होंगे वहाँ होंगे। और फैमिली कौन होगी, वो होगी जो रूल 6 में है, क्योंकि हमने पढ़ा रूल 6 ने कहा कि इस ऑर्डर के लिए, ऑर्डर 32A के लिए फैमिली का मतलब क्या होगा, हम समझा रहे हैं। तो कोई भी फैमिली से रिलेटेड मैटर होगा तो वो यहाँ आएगा। अब फैमिली से रिलेटेड कौन सा मैटर होगा, उसके लिए सब रूल 2 ने बताया है। क्या लिखा है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1। सब रूल 1 की कोई बात हम इफेक्ट नहीं कर रहे, और अब इन पर्टिकुलर हम आपको बता रहे हैं कि प्रोसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के जो प्रोविजंस होंगे वो फॉलोइंग सूट्स या प्रोसीडिंग पर फैमिली से रिलेटेड जो आएंगे वहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। मतलब कहाँ कहाँ, सबसे पहले उन्होंने कहा कोई भी सूट है या कोई भी प्रोसीडिंग है मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए अगर आती है, तो किसके लिए, शादी से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उस केस में, जैसे कि इंक्लूडिंग ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर डिक्लेरेशन की वैलिडिटी, हमारी मैरिज वैलिड है ऐसा डिक्लेयर कर दीजिए, या मैट्रिमोनियल स्टेटस, मैं मैरिड हूँ ऐसा स्टेटस मेरे को डिक्लेयर करके दे दीजिए। तो अगर ऐसा कोई सूट आता है, या फिर अगर सूट आता है या प्रोसीडिंग आती है लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन की, ये बच्चा जो है लीगल है, ये चीज़ आप डिक्लेयर कर दीजिए। फिर इस सूट और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन और द कस्टडी ऑफ एनी माइनर, कि भाई मैं इसका गार्डियन हूँ या फिर ये बच्चा जो है वो मेरी कस्टडी में रहेगा या किसी और फैमिली मेंबर के रहेगा अंडर ए डिसेबिलिटी, वो डिसेबिलिटी में है और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली अंडर ए डिसेबिलिटी। देखो और द कस्टडी ऑफ एनी माइनर, माइनर की कस्टडी के लिए या किसी और मेंबर फैमिली के लिए अंडर ए डिसेबिलिटी, जो कि मतलब डिसेबल होगा बिल्कुल। ए सूट और प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन और द कस्टडी ऑफ एनी माइनर अदर मेंबर ऑफ द फैमिली अंडर ए डिसेबिलिटी, तो जो डिसेबिलिटी में बंदा है उसकी कस्टडी हम लेने आए हैं, वो वाली बात यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। फिर ए सूट और प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस के लिए अगर लाते हो तो वो भी यहाँ पे ले आना। ए सूट और प्रोसीडिंग एज टू द वैलिडिटी और इफेक्ट ऑफ एन अडॉप्शन, तो देखो गार्डियनशिप का, लेजिटिमेसी का, माइनरिटी वो मैट्रिमोनियल स्टेटस के लिए, अडॉप्शन के लिए, उसको बताने के लिए वैलिडिटी है, इफेक्टिव है, वैलिड है, इफेक्टिव अडॉप्शन है, उसके लिए कोई सूट आता है। सूट या प्रोसीडिंग जो कि इंस्टीट्यूट करता है कोई भी फैमिली का मेंबर, चाहे किससे रिलेटेड, विल से रिलेटेड है, इंटेस्टेसी से रिलेटेड है या सक्सेशन से रिलेटेड है, मतलब अगर कोई वसीयत का कोई झगड़ा चल रहा है फैमिली मेंबर्स में तो वसीयत का झगड़ा वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। इंटेस्टेसी मतलब वो लिख के नहीं गया तो अब कौन लेगा प्रॉपर्टी, सक्सेशन कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो सारे के सारे मैटर्स यहाँ पर कनेक्टेड विद द फैमिली है तो वो हम यहाँ पर डील करेंगे। क्लोज जी बोलती है कि सूट या प्रोसीडिंग जो कि किसी भी दूसरे मैटर से कंसर्न है कंसर्निंग द फैमिली इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्टीज आर सब्जेक्ट टू देयर पर्सनल लॉ। यहाँ देखो इस वाले क्लोज जी को हम समझेंगे कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग किसी भी मैटर से रिलेटेड, कौन सा मैटर, फैमिली से रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्टीज आर सब्जेक्ट टू देयर पर्सनल लॉ, जो वो पर्सनल लॉ से मतलब पर्सनल लॉ के कंटेक्स्ट में जो वहाँ वो जा सकते हैं वो सारे मैटर यहाँ पे आ जाएगा। इस सूट और प्रोसीडिंग रिलेटेड टू एनी अदर मैटर कंसर्निंग द फैमिली, जो फैमिली से कंसर्न रखता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्टी आर सब्जेक्ट टू देयर पर्सनल लॉ, जिसके कि अगर सोचो आप बिल्कुल एक बात समझिए, अगर हम वक्फ की बात करेंगे तो वक्फ की बात करें
करेंगे तो वक्फ बनाया किसी बंदे ने, तो वो कहाँ जाएगा? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जाएगा, है ना। तो बस वही वाली बात उन्होंने कही कि वो मैटर जो कि फैमिली से रिलेटेड है लेकिन वो सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है, तो उसका सूट भी आप यहाँ ला सकते हो, उन्होंने ये बात की। अब सब रूल टू क्या कहता है, देखो सब रूल टू कहता है, सो मच ऑफ दिस ऑर्डर एज रिलेट्स टू ए मैटर प्रोवाइडेड फॉर बाय स्पेशल लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग शैल नॉट अप्लाई टू दैट सूट और प्रोसीडिंग। इतना भी ध्यान रखना कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर है, जैसे वक्फ की ही मैं बात करूँ आगे, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट है ऑलरेडी वहाँ पर, तो अगर ऐसा कोई स्पेशल लॉ ऑलरेडी बना हुआ है किसी मैटर के लिए, तो आप जो है उसको वहीं लेके जाइए, यहाँ नहीं लेके आइए। सो मच ऑफ दिस ऑर्डर एज रिलेट्स टू ए मैटर प्रोवाइडेड फॉर बाय स्पेशल लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग शैल नॉट अप्लाई टू दैट सूट और प्रोसीडिंग। इस ऑर्डर के जो एप्लीकेशन होगी वो वहां नहीं होगी जहां उसके लिए ऑलरेडी स्पेशल लॉ बना हुआ है। फिर रूल टू पे चलते हैं, कहता है प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड टू बी इन कैमरा। तो जो प्रोसीडिंग होगी, देखो जो भी फैमिली मैटर्स होते हैं ना, ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, जो फैमिली मैटर्स होते हैं जैसे शादी से रिलेटेड कोई मैटर हुआ या कोई और भी फैमिली मैटर्स हुए, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो इन कैमरा में होती है। अब इन कैमरा का मतलब ये नहीं होता कि भाई कैमरा लगे हुए होते हैं, कैमरा का इन कैमरा का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग के लिए, हाँ वहाँ पे रख सकते हैं प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रेस का अलाउंस नहीं अलाउड, प्रेस अलाउड नहीं होती, पब्लिक वहाँ अलाउड नहीं होती, प्रेस वहाँ अलाउड नहीं होती, पब्लिक वहाँ अलाउड नहीं होती। जनरली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ओपन कोर्ट में होती हैं। ओपन कोर्ट का मतलब कि सभी पब्लिक जो होती है वो देख सकती है प्रोसीडिंग क्या हो रही है, और प्रेस भी वहाँ देख सकती है ताकि वो उसके मैटर जो है अखबार में छाप सके, हमें भी जो जजमेंट पता चलते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से पता चलते हैं। लेकिन रूल टू कहता है जो फैमिली मैटर्स होंगे दैट शुड बी इन द कैमरा, वो कैमरा में ही होंगे। तो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग है जहाँ पर 32A एप्लीकेबल होता है वो कैमरा में होंगे, इफ द कोर्ट डिजायर्स, अगर कोर्ट को ठीक लगता है, और शैल बी सो हेल्ड इफ इधर पार्टी सो डिजायर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। ऑब्वियसली बात है जनरली मैटर जो होते हैं वो कैमरा में ही होते हैं फैमिली मैटर्स, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कैमरा में होंगे, और शैल बी सो हेल्ड अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन भी देती है कि इसको कैमरा में ही डालिए कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करिए, तो भी वो कैमरा प्रोसीडिंग होगी। अब रूल थ्री पे चलते हैं, रूल थ्री कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेक एफर्ट्स फॉर सेटलमेंट। तो अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी फैमिली मैटर के रिलेटेड कोई सूट आता है, कहाँ पर आया, हमें वही पढ़ रहे हैं ऑर्डर 32A में, तो यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो एफर्ट करे कि उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, है ना। कोर्ट का पहला, आपको पता होगा जब भी कोई मैरिज से रिलेटेड डिवोर्स की प्रोसीडिंग अगर चलती है, तो जब भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग चलती है तो कोर्ट का पहला यही मकसद रहता है कि उनका आपस में सेटलमेंट हो जाए, दोनों खुशी से जो भी वाद विवाद है आपस की बातों को दोनों मतलब आपस में ख़त्म कर लें और आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग ना चले, उनको हम बिल्कुल एज इट इज़ रहने दें, मतलब चीज़ों को अब मैरिज अच्छे से सस्टेन रहे, उसको ख़त्म ना करना पड़े। तो कोर्ट का पहला उद्देश्य यही रहता है। तो ड्यूटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो एफर्ट्स बनाए सेटलमेंट के लिए। तो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जिसमें ये 32A एप्लीकेबल होता है, एन एंडीवर एक प्रयास किया जाता है कोर्ट के द्वारा फर्स्ट इंस्टेंस में, पहली बार में जब सूट आता है, जहां पर पॉसिबल हो टू डू सो कंसिस्टेंट विद द नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। अब देखो बहुत ही किसी की तलवारें खिंच गई हैं, किसी ने मारने पीटने की बातें कर ली हैं, ऐसा कुछ हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि फिर वो साथ में रह पाएंगे। तो मगर अगर कहीं भी गुंजाइश रहती है कि हाँ साथ रह सकते हैं, तो उस केस में कह रहे हैं वो उस केस में पार्टीज को असिस्ट करेंगी कोर्ट कि वो एक सेटलमेंट पे अराइव हो जाए, सेटलमेंट तक पहुंच जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सजेस मैटर को वो लेके आए हैं। फिर सब रूल टू कहता है इफ इन एनी सच प्रोसीडिंग, अगर ये प्रोसीडिंग या सूट में किसी भी स्टेज पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि एक सेटलमेंट ले जाए, देखो सबसे पहले कोशिश तो कोर्ट ने यही करनी फर्स्ट इंस्टेंस पे, पहली बार जब केस आया कि सेटलमेंट करवा दें, लेकिन अगर नहीं प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो किसी भी स्टेज पे कोर्ट को लगता है कि ठीक है अब ये मौका आ गया, लग रहा है दोनों पार्टी नंबर हो गए, थक गए आके, अब इनके बस की नहीं है, इन्हें समझ में आ गया है कि भाई कोर्ट का काम बड़ा पेचीदा है और बहुत फजीहत हो रही है, बहुत बदनामी हो रही है, तो अभी लगता है कि भाई नहीं, और या फिर कहीं किसी में इमोशन जाग गए कि नहीं मेरा भाई था, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरा हस्बैंड था या मेरी वाइफ थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो वाली कंडीशन। तो फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसी स्टेज है तो देयर इज ए रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, तो कोर्ट एडजर्न करेंगी। क्या करेंगी, देखो अब एडजर्न मनी वाली बात आ गई ऑर्डर 17,
तो कोर्ट एडजर्न कर देंगी प्रोसीडिंग को उतने टाइम पीरियड के लिए जितना कोर्ट को लगता है कि वो अटेम्प्ट करें कि आपस में सेटलमेंट इनका हो जाए, कि हम अटेम्प्ट करेंगे और सेटलमेंट हो जाएगा। तो इतने टाइम के लिए कोर्ट उचित में 15 दिन के अंदर अंदर लगता है कि हाँ आपस में बातें करो, निपटा लो, तो फिर उतना टाइम वो दे देंगे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर पावर है एडजर्नमेंट की, ये देखना, सब रूल 3 कहता है शैल बी इन एडिशन टू ए नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर पावर ऑफ कोर्ट टू एडजर्न द प्रोसीडिंग। तो हमने प्रोसीडिंग की जो बात करी थी ऑर्डर 17 में एडजर्नमेंट की, तो जो वहां पर प्रोसीडिंग के एडजर्न करने की बात करी थी उस वो वाली पावर को हम क्या कहता था कि हर एक पार्टी को 3 दिन बाद टाइम मिलेगा कि प्रोसीडिंग एडजर्न कराने के लिए, तो वो एडजर्नमेंट अलग है। तो ये जो पावर एडजर्नमेंट की है वो इन एडिशन टू दैट एडजर्नमेंट है, डेरोगेट नहीं करे कि अगर एक पार्टी को एडजर्नमेंट हमने इसलिए दिया है कि सेटलमेंट कर लो तो आपका एक मौका गया, अब 2 मौके बचे आपके पास, नहीं ऐसा नहीं। तो उसकी एडिशन में ही पावर है ये, जो ये पावर यहाँ पर दी गई है। रूल 5 और रूल 5 पे, 4 पे और 5 पे चलते हैं। 4 कहता है असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, ठीक है, तो वेलफेयर एक्सपर्ट को भी हम मदद के लिए बुला सकते हैं। कैसे? जब भी किसी सूट में या प्रोसीडिंग में जिस पर ये ऑर्डर अप्लाई होता है तो ये ओपन, ये कोर्ट के लिए ओपन होगा, मतलब कोर्ट का ये डिसीजन होगा कि वो सर्व किसी भी पर्सन की सर्विसेज को सिक्योर कर सके, ठीक है, किस लिए सिक्योर कर सके कि वो मतलब उनके बीच में सेटलमेंट करवा सकें। तो जनरली उसको प्रेफर करते हैं कि एक वुमेन ही हो जहाँ अवेलेबल हो, वेदर रिलेटेड टू पार्टीज और नोट, चाहे वो पार्टी से रिलेटेड हो या नहीं हो, इंक्लूडिंग ए पर्सन प्रोफेशनली एंगेज इन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली एज द कोर्ट मीटिंग पे। मतलब कि एक पर्सन चाहे वो फैमिली से कनेक्टेड हो नहीं हो, रिलेटेड हो नहीं हो, लेकिन वो प्रोफेशन उसका इस तरीके का हो, इसके अंदर मतलब वो बंदे भी आ जाएंगे जो कि जिनका काम ही है काउंसलिंग वगैरह कराना, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द कोर्ट इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन इम्पोज बाय रूल 3 ऑफ दिस कोर्ट। क्या था? सेटलमेंट का, आई टोल्ड यू। तो अगर किसी को आपने एक्सपर्ट भी, जैसे हम अगर हम बोलते हैं हिंदी में आपको बोलूँ तो बिचौलिए, है ना, तो यहाँ पर तो क्या हुआ, बिचौलिए हुए, तो वो हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसको बना लेते हैं कि ठीक है आप इनके बीच में सेटलमेंट करवा दीजिए अगर आपको लग रहा है तो। लेकिन अगर कोर्ट के चाहें तो वो किसी प्रोफेशनल पर्सन को भी, जो काउंसलर्स होते हैं, उनको भी अपॉइंट कर सकती है, जो काउंसलर्स होते हैं ना उनको भी कह सकते हैं, उनकी सेवाएं भी ले सकती है, लेकिन वो प्रेफर करेंगे कि वुमेन ही हो क्योंकि फैमिली रिलेटेड मैटर को वुमेन अच्छे से समझ पाती हैं। अगर इफ़ इट इज़ मैट्रिमोनियल है तो फिर तो और भी ज़्यादा, प्रेफरेबली वुमेन वेर अवेलेबल वेदर रिलेटेड टू द पार्टीज और नॉट इंक्लूडिंग ए पर्सन प्रोफेशनली एंगेज इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली एज द कोर्ट थिंग्स फिट, ठीक है। फिर सब रूल 5 कहता है ड्यूटी टू इंक्वायर इन टू फैक्ट्स। अब ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, जितना पॉसिबल हो सके जो प्लेंटिफ ने फैक्ट बताए हैं, ठीक है, जो प्लेंटिफ ने फैक्ट बताए हैं वो, और जो डिफेंडेंट ने एलिज करे हैं वो फैक्ट, दोनों फैक्ट, जो प्लेंटिफ ने एलिज करे वो भी, डिफेंडेंट ने जो बताए वो, उन फैक्ट के बारे में इंक्वायरी कर ले। हमेशा याद रखना यहाँ पर भाई उन्होंने अपने अपने फैक्ट तो बताए, पर एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी के लिए भाई लड़ रहे हैं, ये घर लड़ रहे हैं, घर के लिए लड़ रहे हैं, घर है कितना बड़ा और क्या फैक्ट है एक्चुअल में। तो कोर्ट की ड्यूटी होती है जितना पॉसिबल, सो फार एट रीजनेबली कैन, जहाँ तक ये कर सकती है, वो फैक्ट जो एलिज किए गए प्लेंटिफ के द्वारा, वो फैक्ट जो डिफेंडेंट के द्वारा एलिज किए गए, उनमें इंक्वायरी कर ले। ये ड्यूटी होती है किसकी? कोर्ट की। तो रूल 6 मैंने आपको बता ही दिया, बहुत छोटा सा ही ये ऑर्डर था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।